हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज क्या है? आज सैटरडे। आज सैटरडे, आज सैटरडे है और मेरे घर पे शिवांश और अंश ये लोग आ चुके हैं। और अभी शाम का बज रहा है 4:00। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, अरे देखो दोनों कूल ड्यूड बने हुए हैं। एक मिनट, लाइट का कलर चेंज कर। फिर से ना, ये रेड है, सही दिख रहा है। तो गाइस आप लोगों के सामने पेश है द बैड बॉयज गैंग लुक। हे शाड़ी ना, इट्स अ बर्थडे। टैं 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 टैं। तो गाइस आज का सीन ऐसा है कि मुझे मसल पेन हो गया है, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा चल फिर नहीं सकता। इसलिए अब व्लॉगिंग घर में ही होगी, जितने भी दिन होगी अभी, जब तक मेरा ठीक नहीं हो जाता, जब तक मैं बाहर जाने लायक नहीं होता। और अभी शाम का 4 बज रहा है तो मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं थोड़े थोड़े। तो चलो अब मच्छर भगाने के लिए सबसे पहले मच्छरों का इंतज़ाम किया जाएगा। टवर नेचुरल रेमेडी, होममेड रेमेडी, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल तरीका है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले बालकनी का वो गेट बंद करो जोर से। हाँ, बहुत गंदी स्मेल आती है, कपड़ों पर डाल दी मैंने। वो नहीं, उसके नीचे वाला उठा, उसके नीचे वाला। ओह यस, जुगाड़। अभी दोनों आपके सामने हैं। ये नेचुरल वाला है और ये आर्टिफिशियल वाला है। तो अपन नेचुरल तरीके से करेंगे। चार्जिंग पे लगा हुआ है, बहुत टेस्ट लग रहा है यार। ये पॉइजनस, इसकी ये आर्टिफिशियल वाले की तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस स्मेल आती है। सो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसमें पत्ते डालने हैं। ये दोनों अलग ही लगे रहते हैं, इनका ध्यान वहीं रहता है। आओ। हेलो गाइस, अभी भैया कुछ तैयारी कर रहे हैं इसलिए अभी मैं करूँगा ब्लॉगिंग। तो ये वो है ना, खड़ा मसाले मेरे सामने ही है। तो अभी कड़क पत्ता नहीं, तेज पत्ता। अच्छा, तेज पत्ता। इसको तोड़ लेते हैं फटाफट। अंश, कैन यू हेल्प मी आउट तोड़ने में? हियर वी गो। तो गाइस अभी हमें पता चला है कि जो तेज पत्ते थे उनके अंदर निकल चुकी हैं चींटियां। उनके अंदर नहीं निकली, यहाँ पे एक वो रखा हुआ था समोसे का रैपर, इसलिए तो यहाँ पे चींटियां थी। आप देख सकते हैं ये चींटियां। अभी ये सब भाग जाएंगे। ये देखिए। सरसों का तेल। तो गाइस हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी हमें मतलब बस सिर्फ आग जलाने का काम रह गया है। तो हम मिलते हैं आपको आग जलाने के बाद। तो गाइस अभी जब तक आग जल रही है, अंगार गर्म हो रहा है, तब तक हम इस सरसों के तेल में ये कपूर मिला देते हैं। तो ये कपूर हम कपूर और सरसों का तेल हम इन पत्तों के ऊपर मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे कंडों में से आग, ये शायद येलो फायर है ना अंश। हमारे जो कंडा है वो पूरा तरह से लाल हो गया है, देख सकते हैं। तो गाइस ये आग हो गई, हम अंगार के ऊपर अपना जो मिक्सचर है वो रख देंगे। तो हमारी आग पूरी तरह से मतलब बन चुका है, अब ये धुआं फैलने की देरी है। धुआं भी फैलना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। चलिए मिलते हैं भैया से। ये देखिए कि हमारा धुआं किस तरह से निकल रहा है। तो
गाइस अब इसको सब कमरों में फैला देते हैं अच्छे से। देखिए गाइस अंश कर रहे हैं भैया की मदद, लेकिन इसने पहले भैया की हेल्प नहीं की थी इसलिए ये थोड़ी हेल्प कर रहा है। ये जा रहा है हमारा गुस्सेल अंश कमरे की तरफ, वो इस वेट में है कि ये कब चार्ज होगा। अरे वो गिर पड़ेगा, तू वगैरह वो सब लगा हुआ है इसलिए इसमें आंसू नहीं आते। सच्ची? हाँ। नहीं लेकिन हमारे उसमें आंसू आते थे। तो देखो इन लोगों ने सेगमेंट निकाल लिया है और अभी खेल रहे हैं। यो 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 बेबी यो ब्रो ये तो मुझसे भी अच्छे चलाने लग गया, क्योंकि तेरा वेट कम है ना इसलिए। वेट कम नहीं है, मैंने अच्छे से चला भी लिया था। नहीं तू तेरा वेट कम है इसलिए सबसे ज्यादा कम है। बताया है मुझे कि ये जो भैया ने जलाया है ये बहुत इफेक्टिव है, इसलिए आज से मैं भी अपने घर पे जलाऊंगा। आप लोग भी जलाना है अगर मच्छर मिले तो। और ये अंश नहा के नहीं आया तो उसके ऊपर रूम फ्रेशनर डालना पड़ेगा। देखो मैं डालूंगा प्लीज। नहीं नहीं अच्छे से, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। लो नहा लिया इनने, रूम फ्रेशनर से नहा रहे हैं। देखो सैंडविच बनाना आता है? आता है ना। पक्का? कौन? कोई आंसू आंसू नहीं आ रहे, ये बच्चे जब भी आते हैं जब मेरा माइंड ऐसा होने लगता है। आग निकलेगी नहीं, वो पत्तों की आग है। तो अब शिवांश जा रहा है उसको उसकी सिस्टर को लेने जाना है। लेकिन भैया आप नहीं जा सकते। हाँ मेरा मसल पेन इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, तो सुनो पल्टर लेके मत आना, तो दोनों ही आना। हम दोनों ही आना। और अगर कोई देख ले तुमको इस साइड आ रहे हो तो थोड़ी देर उधर ही रहना, फिर नजर बचा के आना। शिवांश और अंश तो गए, नाउ इट्स टाइम फॉर चेला। मसल पेन में कोई भी नीचे पड़ी हुई चीज ऊपर उठाना इज जस्ट लाइक चैलेंज। ये पैर से उठाया। ओह बच्चे पूरी बैटरी खत्म कर गए मोबाइल की, चार्जिंग लगाना पड़ेगा तो ब्लूटूथ स्पीकर का सहारा लेंगे। Zebronics. From life. Bluetooth mode. You know what? No pain can stop the fun. No pain. तो guys, अभी मुझे बच्चे भगाने की एक निंजा टेक्निक मालूम चली है। तो guys, अगर आप लोग बच्चों से परेशान हैं, कॉलोनी के सारे बच्चे आपके घर आते हैं, आस पड़ोस के बच्चे आपके घर आते हैं, तो guys, उनसे बचने के लिए पेश है निंजा टेक्निक। तुरंत बच्चों को घर के काम में लगा दो, जस्ट लाइक ए हेल्प। उनसे बोलो कि यार गाइज मुझे थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये काम थोड़ा सा वो काम थोड़ा सा वो काम, ऐसा थोड़ी देर आप 15-20 मिनट करेंगे और इतने में बच्चे फुर्र घर से सीधा।